हेलो स्टूडेंट्स। तो पहले आप अगर सीबीएसई के सैंपल पेपर्स देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, सीबीएसई के, और वहाँ से सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए क्लास 12th का। और यहाँ से आपको कंप्यूटर साइंस का, बल्कि सबका सैंपल पेपर मिल जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर आप जब क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा। सॉरी। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस ये लिटरली होते हैं, पुश पॉप का, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसको। ये थोड़ा सा बड़ा आप लोग को दिख रहा है कि काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा सिंपल होता है, और करने में अगर आप लोग थोड़ा सा इसको सही अप्रोच से करोगे तो बड़े आसानी से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, और पिछले साल का बोर्ड पेपर का भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ लिस्ट, एन लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड्स एज लिस्ट एलिमेंट्स, ठीक है। एक लिस्ट है जो फॉलोइंग रिकॉर्ड को कंटेन कर रहा है। क्या कंटेन कर रहा है? सिटी का नाम, कंट्री का नाम, और उस कंट्री का डिस्टेंस दिल्ली से, उस सिटी का डिस्टेंस दिल्ली से कितना है, कितना दूर है। ये 3 वैल्यू ये कंटेन कर रहा है। ईच ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर नेस्टेड टूगेदर टू फॉर्म अ नेस्टेड लिस्ट, यानी एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट ये बनेगा। तो मैं एक चीज दिखा दे रहा हूं एक एग्जाम्पल के तौर पे, कैसा ये लिस्ट कह रहा है, बहुत सिंपल है। ये जैसे कह रहा है कि पहला एक, हाँ, कह रहा है कि कंट्री या सिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वाराणसी कंट्री इंडिया, और इसका डिस्टेंस कितना होगा, मान के चलो जैसे कुछ 800-900 किलोमीटर होगा, तो ये हो गया। कॉमा, उसके बाद दूसरा मान के चलिए आगरा इंडिया, और इसका कितना होगा, 400 किलोमीटर होगा। कॉमा, फिर अच्छा ये एक नेस्टेड लिस्ट यानी लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट है, तो आपका फिर हो गया मान के चलिए कोई दूसरा ले लो, जैसे क्या कहते हैं, बाहर का कोई ले लेते हैं, जैसे वॉशिंगटन, वॉशिंगटन, और ये यूएसए में है, और ये आपका मान के चलिए 23,000 किलोमीटर है ऐसे। तो ये आपका नेस्टेड लिस्ट है, इस तरह का लिस्ट ये कंटेन कर रहा है। ओके, ईच ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर नेस्टेड टूगेदर टू फॉर्म अ नेस्टेड लिस्ट। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है इन पाइथन टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम ट्रेवल, यानी स्टैक को इंप्लीमेंट करना है लिस्ट के द्वारा, ठीक है। और स्टैक, अच्छा स्टैक को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे लिस्ट के द्वारा, तो ये जो ट्रेवल दिख रहा है, ठीक है, ये आप ये एक लिस्ट है, ट्रेवल एक दूसरा लिस्ट है, यानी एन लिस्ट की वैल्यू इस लिस्ट, इस ट्रेवल लिस्ट में आएगी, ठीक है। अब हाँ, यहां पे 2 फंक्शन दिया हुआ है, एक है पुश एलिमेंट और एक है पॉप एलिमेंट। पुश एलिमेंट क्या कह रहा है, इट टेक्स द नेस्टेड लिस्ट एज एन आर्गुमेंट। देखो एक चीज आप लोग को मैं बता दूं, एक सेकेंड, देखो ये जो ट्रेवल है ये लिस्ट है, यानी ट्रेवल के अंदर क्या वैल्यू आएगी, इस फंक्शन के द्वारा इसमें आप वैल्यू इंसर्ट करोगे, पुश करोगे, ठीक है। और ये जो आर्गुमेंट है, जैसे पुश एलिमेंट और ब्रैकेट में एंड लिस्ट लिखा है, ये आपका क्या है, आर्गुमेंट है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना किसी फंक्शन में, जैसे स्क्वायर रूट निकालना होता है फॉर एग्जाम्पल 16 का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट होता है, ये तो आप लोग पढ़े ही हो, ठीक है। तो इट टेक्स द नेस्टेड लिस्ट एन आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट ले रहा है नेस्टेड लिस्ट को, और इसमें से आइटम को निकाल के किस में पुश कर रहा है, ट्रेवल में पुश कर रहा है, उन सिटीज का नाम और कंट्री का नाम जो कि इंडिया में नहीं है, यानी कि वो सिटी जो इंडिया में नहीं है और जिसका डिस्टेंस 3,500 किलोमीटर से कम है दिल्ली से, ठीक है, एंड डिस्टेंस इज लेस देन 3,500 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। तो ये पुश का कंडीशन है, ठीक है। तो पुश करने के लिए सिंपल है, एक अपेंड फंक्शन इस्तेमाल होता है। अपेंड फंक्शन क्या करता है, लिस्ट के आखिरी में कोई वैल्यू को ऐड कर देगा, जैसे कि 1 2
टू अगर लिस्ट है और हम लिखते हैं L1 जैसे लिस्ट है, L1 इज इक्वल टू 1 2, और हमने लिखा L1 डॉट अपेंड 3, तो यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3, ये वैल्यू आ जाएगी। लास्ट में एक वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। स्टैक क्या होता है, स्टैक में कोई भी वैल्यू कहां पे इंसर्ट होती है, लास्ट में इंसर्ट होती है। कहां से वैल्यू रिमूव होती है, लास्ट से रिमूव होती है। तो इंसर्ट करने का तरीका है अपेंड फंक्शन, और निकालने का क्या तरीका है, पॉप फंक्शन। ठीक है, तो पहले तो आपको बताया कि किन किन तरीकों से पुश करना है, तो पुश का तरीका बता दिया, और फिर उसके बाद बता रहा है पॉप करना है, कि पॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक, यानी बारी बारी से 3 को रिमूव करिए, 2 को रिमूव करिए, 1 को रिमूव करिए, ऊपर वाले एग्जाम्पल में सिटी को रिमूव करिए। ठीक है, इट पॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्लेस देम, ऑल्सो अ फंक्शन शुड डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी। अगर आपकी पूरा का पूरा डेटा को डिलीट कर दिया लिस्ट के अंदर से, तो आखिरी में वो क्या प्रिंट करना चाहिए, स्टैक एम्प्टी व्हेन देयर आर नो एलिमेंट्स इन द स्टैक। ठीक, तो यहां पे आपको ये एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। तो ये आपका लिस्ट है, ठीक है, ये आपका लिस्ट है, और इनमें से कौन कौन सी वैल्यू जाएगी, एक तो वो जो इंडिया में नहीं हो, तो यानी ये वाला वैल्यू नहीं जाएगा, और एक जिसका डिस्टेंस आपका कितना किलोमीटर से कम हो, कितना किलोमीटर बताया था, 3500 किलोमीटर, डिस्टेंस इज लेस देन 3500 किलोमीटर। तो ये दिखा रहा है कि अगर ये लिस्ट है, इतना सारा इसमें है, तो इनमें से ये वैल्यू, ये ट्रेवल की वैल्यू ये होनी चाहिए, ट्रेवल की वैल्यू ये होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैंने इस प्रोग्राम को बनाया है, और इसको मैं आपको रन करा के दिखा दे रहा हूं। ठीक है, और तो सबसे पहला आपने क्या किया, एक ट्रैवल लिस्ट बनाया। अच्छा, यहां पे काम करिए, जो भी यहां पे नाम दिया रहता है ना, जैसे आपको इस चीज का ध्यान देना होगा प्रोग्राम में, कि जैसे यहां पे दिया हुआ है स्टैक का नाम ट्रैवल, ठीक है, तो यहां पे आपको ट्रैवल लिखना होगा। यहां पे मैंने टी लिख दिया है, यहां मैंने T1 लिख दिया, लेकिन यहां T1 की जगह क्या होना चाहिए था, ट्रैवल, ट्रैवल इज इक्वल टू ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पे T1 लिख रहे हैं, तो आप लोग समझिए T1 है। तो एक T1 नाम का हमने एम्प्टी लिस्ट लिया, ठीक है, उसके बाद मेन सेगमेंट है, मेन सेगमेंट में आया हम लोग, मेन सेगमेंट में पहला काम किया हमने इसी लिस्ट को जो यहां पे प्रोग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि देखिए एग्जांपल देखिए दिया हुआ है ना, इफ द नेस्टेड लिस्ट कंटेन्स दिस डेटा, तो आपका यहां पे आप इसी को कॉपी कर लोगे। ठीक है, ये आपका नेस्टेड लिस्ट बन गया, इसके अंदर देखिए एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू ये हो गई, तीसरी वैल्यू ये हो गई, एंड सो ऑन। इसके बाद आपने क्या किया, आपने इस फंक्शन कॉल किया, किसको कॉल किया, पुश एलिमेंट को आपने कॉल किया। तो जैसे ही आपने फंक्शन कॉल किया और आर्गुमेंट में आपने किसको रखा, नेस्टेड लिस्ट को रखा, तो ये यहां पे कंट्रोल आपका डायरेक्ट यहां चला जाएगा। कंट्रोल जब आपका डायरेक्ट यहां पे गया, तो यहां पे जो है अब आपने लूप लगाया इस फंक्शन के अंदर, आपने लिखा है फॉर एल इन एन लिस्ट, तो बारी बारी से एन लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को ये एक्सेस करेगा। तो सबसे पहले किसको एक्सेस करेगा, न्यूयॉर्क, यूएसए और इसको। तो सबसे पहले एल की वैल्यू क्या है, न्यूयॉर्क, यूएसए और आपका 11734, ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होगा, नंबर है ये। अब इसमें ये चेक कर रहा है, ये भी देखो एक तरीके का लिस्ट है, ये भी एक तरीके का लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या चेक कर रहा है, क्या L1 वन की वैल्यू इंडिया है, तो L1 वन की वैल्यू इंडिया नहीं होनी चाहिए, तो ये 0 इंडेक्स लोकेशन है, ये 1 इंडेक्स लोकेशन है, ये 2 इंडेक्स लोकेशन है, तो 1 इंडिया नहीं है, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि आपके यहां क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आप उन्हीं एलिमेंट्स को एंटर करोगे जो इंडिया में नहीं होना चाहिए, विच आर नॉट इन इंडिया। तो आपने कंडीशन क्या चेक किया बड़े आराम से, कि फर्स्ट लोकेशन, लिस्ट के फर्स्ट लोकेशन का जो कंट्री है वो इंडिया नहीं होना चाहिए, तो ये आपने चेक कर लिया। दूसरा क्या कंडीशन बोल रहा है,
दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि आपका जो डिस्टेंस है वो 3500 किलोमीटर से कम होना चाहिए दिल्ली से, तो आप जो है डिस्टेंस आप क्या चेक कर रहे हो, एन एल टू, ठीक है, एल और ये सेकंड इंडेक्स लोकेशन टू लेस देन 3500, तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो न्यूयॉर्क का यूएसए वाला कंडीशन ट्रू है, लेकिन 11734 वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट एंटर नहीं होगा। फिर अगला घूम के जाएगा लिस्ट में, यहां से फॉर लूप लगा हुआ है ना, तो अगला जाएगा, अगले में ये आ जाएगा नैपी डॉ म्यांमार करके है, इसमें भी चेक कर रहा है, तो फर्स्ट इंडेक्स लोकेशन पे म्यांमार है, इंडिया तो है नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, और सेकंड इंडेक्स लोकेशन पे इसका डिस्टेंस 3500 से कम है, तो ये वाला वैल्यू पुश कर देगा T1, यानी इस लिस्ट के अंदर T1 डॉट अपेंड ब्रैकेट में L, यानी अभी करंट वैल की वैल्यू क्या है, ये है नेपिडो सेकंड लूप में, तो ये एंटर कर देगा। फिर थर्ड लूप में घुस आपका जाएगा, थर्ड लूप में फिर दुबई को चेक करेगा कि इंडेक्स लोकेशन फर्स्ट पे इंडिया नहीं है और 3500 किलोमीटर से कम है, तो इसको भी एंटर कर देगा, ये भी चला जाएगा। फिर थर्ड में इसके बाद अगर नेक्स्ट पे आएगा तो इंडिया नहीं है, ये कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन डिस्टेंस आपका 3500 से ज्यादा है, तो ये नहीं जाएगा। गैंगटॉक फर्स्ट इंडेक्स लोकेशन पे इंडिया है, जैसे ये कंडीशन चेक करेगा ये भी नहीं जाएगा। कोलंबो फर्स्ट इंडेक्स लोकेशन पे श्रीलंका है और डिस्टेंस भी आपका 3405 है, तो ये चला जाएगा। तो तीन लिस्ट वैल्यू आपकी T1 के अंदर चली गई, T1 के अंदर चली गई, जब ये पूरा का पूरा फंक्शन हो गया तो वापस यहां से कंट्रोल किस पे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे, और नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट करेगा, T1, T1 प्रिंट करेगा, तो T1 के अंदर क्या क्या प्रिंट करेगा, यही तीनों वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है, नेपिडॉ म्यांमार ये तीनों वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये इसको चेक करा लेते हैं, अभी नेक्स्ट वाले को हम लोग हैश लगा देते हैं, इसको भी रन नहीं कराएंगे, ठीक है, सेव करा लो, रन कराओ। तो देखो नेपिडॉ दुबई और कोलंबो ये तीन वैल्यू यहां पे आपका इंसर्ट हो गया, तो पुश वाला काम हो गया, इतना आपने लिख दिया, पुश वाला काम आपका हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट है, आप पॉप फंक्शन को कॉल करोगे, आप पॉप फंक्शन को कॉल करोगे, पॉप फंक्शन का नाम यहां पे दिया हुआ है पॉप एलिमेंट, तो आप इसी फंक्शन को आप कॉल करोगे। उसके बाद आप अगले लाइन पे कंट्रोल यहां पे आएगा, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सही रहे, और यहां पे कॉल आने के बाद कंट्रोल कहां चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, और यहां पे क्या लिख रहा है, वाइल लेंथ T1, यानी जब तक T1 के अंदर वैल्यू होती रहेगी तब तक पॉप होता रहेगा, यानी उसमें से एलिमेंट रिमूव होते रहेंगे, तो वाइल लेंथ T1 तो भी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि वाइल लेंथ ऑफ T1 कितना हो जाएगा, T1 की वैल्यू कितनी है, इस समय तीन वैल्यू है इसके अंदर, तो लेंथ इसकी तीन है, तो कंडीशन ट्रू है, प्रिंट किया T1 डॉट पॉप, तो T1 डॉट पॉप, तो सबसे पहले किसको रिमूव करेगा, देखिए जब इंसर्ट करना था तो पहले नंबर पे इसको इंसर्ट किया, दूसरे नंबर पे इसको इंसर्ट किया, और तीसरे नंबर पे आपका इसको इंसर्ट किया, लेकिन जब रिमूव करना है आखिरी में इसको ऐड किया है ना, आखिरी में कोलंबो को ऐड किया था, लेकिन जब रिमूव करना है तो पीछे से रिमूव करेगा, तो सबसे पहले इसी को रिमूव करेगा, तो पहले इसको ये प्रिंट करेगा, फिर लूप चलेगा। अब अगले बार में जब रिमूव हो जाएगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, टू हो जाएगी, फिर अंदर आया और फिर पॉप किया, इसमें से इस बार दुबई को रिमूव कर दिया, फिर आपका वाइल्ड एक बार और चलेगा और इस बार लेंथ कितनी होगी, वन होगी, फिर अंदर आएगा और इस बार म्यांमार को आपको इसको रिमूव कर देगा। उसके बाद जब इस बार दोबारा घूम के गया तो वाइल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, और जीरो कंडीशन में फॉल्स हो जाता है, तो फॉल्स कंडीशन में आपका ये वाइल लूप तो एग्जीक्यूट हो गया, फिर एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एल्स में आपने यहां क्या प्रिंट करा देना है, स्टैक एम्प्टी, और आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। इसको भी रन करा के देख लो, एक मैं यहां पे स्पेस प्रिंट करवा दे रहा हूं ताकि दोनों में आप लोगों को फर्क समझ में आए। ये देखिए, पहले हमने पुश कराया और फिर हमने पॉप कराया, ठीक है। तो एग्जाम में इसको करने के दो तरीके हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे कहा है कि आपको फंक्शन क्रिएट करना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है, ये नहीं बोला है कि फंक्शन को कॉल भी करना है और प्रोग्राम भी बनाना है, तो ये नहीं बोला है। तो आप अगर एग्जाम में सिर्फ इतना कर दोगे ना, ठीक है, यहां से लेके यहां तक भी कर दोगे ना,
तो फुल मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा आपको इतने पे भी, ओके। और अगर एडिशनल कर दोगे तो भाई जो आपका एग्जामिनर रहेगा वो खुश होगा कि देखिए बच्चे ने पूरा किया है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपेंड और पॉप ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एंटर एलिमेंट को एंटर करने के लिए अपेंड फंक्शन और रिमूव करने के लिए पॉप फंक्शन इस्तेमाल होता है, बहुत ईजी है। एक और प्रोग्राम है अगले नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा जो पिछले साल के बोर्ड का पेपर का है, और उसको देख के आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये तीन नंबर आप बड़े आराम से कर लेंगे। थैंक यू।